अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। ये कहना न होगा कि ये ऐड पुरुषों की ओर केंद्रित था। वो पुरुष जिन्हें बिना औरतों की मर्जी के उनके स्तन और जांघें छूने को नहीं मिलते। ऐड परोक्ष रूप से ये कहता था कि या हाँ, आपको मजे लेने के लिए पीड़ित की इजाज़त की जरूरत नहीं है। और ये भी कहना न होगा कि किस तरह यहाँ रेप जैसे जघन्य और हिंसक क्राइम को बड़ी आसानी से बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके साथ ही सेक्स के लिए मना करने वाली लड़कियों का मजाक उड़ाया जा रहा था। कोई भी पुरुष या औरत किसी रोबोट या खिलौने के साथ सेक्स करे, इसमें कोई बुराई नहीं है। डिल्डो और वाइब्रेटर जैसे टॉय आज से नहीं, कई सालों से अस्तित्व में हैं। मगर जो बात यहाँ परेशान करती है वो ये नहीं कि एक सुंदर औरत जैसी दिखने वाली गुड़िया के साथ पुरुष सेक्स करेंगे। परेशान करने वाली बात यह है कि इस रोबोट को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि पहली बार उसके प्राइवेट पार्ट को छूते ही वो गुड़िया असहमति जाहिर करेगी। फ्रिजिट फेरा, अनुप्रास के भरा हुआ नाम। दाम $10,000 यानी लगभग 6 लाख रुपयों में इसे खरीदकर आप इसके साथ सेक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये रोबोट आपको छूने के लिए मना ही करेगी। कंपनी ट्रू कंपेनियन के मुताबिक इसमें कई सारी सेटिंग है, जिसमें से एक सेटिंग ये भी है कि आप इसे असहमति वाले मोड पर लगा दें। ऐसे में ये आपके छूते ही कहेगी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। रोबोट को बनाने वाले कहते हैं, अगर औरतों के पास वाइब्रेटर हो सकता है तो मर्दों के पास सेक्स डॉल क्यों नहीं। सही बात है, पुरुषों के सेक्स टॉय हो, मगर एक पुरुष के सामने सिर्फ उसके मजे के लिए एक प्लास्टिक की ऐसी औरत रख देना, खास जिसकी असहमति से उत्तेजित हो पुरुष उसके साथ सेक्स करे, क्या आपको रेप के निकट नहीं लगता। मुझे खुशी है कि ये गुड़िया इतनी महंगी है कि लोग से खरीदने के पहले 100 बार सोचेंगे, मगर ये और भी ज्यादा डराने वाला है कि ऐसे टॉय बन रहे हैं, बिक रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।